यमुना करोड़ों लोगों के जीवन का एक अहम हिस्सा, जीवन से जुड़ा धर्म और धर्म से जुड़ी भावनाएं, इन तीनों का आधार है यमुना। गंगा की ही तरह माँ के रूप में पूजी जाती है यमुना। माना जाता है कि उत्तर भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी है यमुना, लेकिन जितनी यमुना की लंबाई है उससे कहीं ज्यादा यमुना के प्रति लोगों की आस्था में गहराई, और जितनी गहरी लोगों की आस्था है उससे कहीं ज्यादा सुनहरा यमुना का इतिहास। वेदों और पुराणों की चमक को अपने अंदर समाहित किए हिमालय की गोद से हुआ था यमुना का उद्गम। हिमालय के बंदरपूंछ से यमुना प्रवाहित होती है। बंदरपूंछ में कालंदी पर्वत से बहने के कारण यमुना को कालंदी के नाम से भी जाना जाता है। हिमालय से बहती हुई ये कालंदुजा उत्तर भारत के चार राज्यों से होते हुए गुजरती है, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश। यमुना सिर्फ इन राज्यों से गुजरती ही नहीं बल्कि इन राज्यों के इतिहास की खुशबू को फैलाते हुए बहती रहती है। उत्तराखंड में बसी सुंदर प्रकृति को दर्शाते हुए, हरियाणा की संस्कृति और सभ्यता को संभाले हुए, दिल्ली की सियासत की गवाह बनकर और आखिर में उत्तर प्रदेश में अलग अलग धर्म की एक पहचान को दर्शाते हुए यमुना सालों से राज्यों और राज्यों में रहने वाले लोगों का भरण पोषण करती आ रही है। इतना ही नहीं, यमुना दिल्ली और उत्तर प्रदेश के संपन्न औद्योगिक क्षेत्र के लिए भी पानी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इन छह राज्यों को मिलाकर यमुना की लंबाई कुल 1376 किलोमीटर है। पर कहते हैं ना, नदी जितनी शांत होती है उतनी ही प्रचंड भी। यमुना का भी कुछ ऐसा ही रूप देश की राजधानी दिल्ली में देखने को मिल रहा है। दिल्ली में यमुना अपने उफान पर है। हरियाणा के हथनी कुंड से पानी छोड़े जाने के बाद से यमुना के स्तर में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, जिसके चलते दिल्ली में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। यमुना दिल्ली को अपना रौद्र रूप दिखाते हुए 207 मीटर का आंकड़ा पार कर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गई है। यमुना का जलस्तर बढ़ने से यमुना के आसपास के इलाकों में पानी भरना शुरू हो गया है। हालात ऐसे हैं कि लोगों को उन जगहों से बाहर निकालकर दूसरी जगहों पर शिफ्ट किया जा रहा है। अब तक 10,000 लोगों को सुरक्षित शिफ्ट कर लिया गया है। यमुना तट पर रहने वाले निवासियों को नदी के पास न जाने की सख्त हिदायत भी दी गई है। साथ ही यमुना के तट से सटे इलाकों में बार बार घोषणा कर लोगों को सूचित किया जा रहा है। यमुना नदी में रह रहे सभी लोगों को सूचित किया जाता है, पानी का बहाव काफी तेज है, कृपया करके पानी से दूर रहे। आप लोग कृपया करके पीछे हो जाइए, पानी का बहाव काफी तेज है। भैया यहाँ से पीछे हो जाइए आप लोग। लोगों के रहने के लिए 80 टेंट लगाए गए हैं। लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए यमुना किनारे 53 बोट और NDRF के जवान भी तैनात किए गए हैं। आपको बता दें, दिल्ली में यमुना नदी का ये प्रचंड रूप पहली बार नहीं देखने को मिल रहा है। 40 साल पहले सन 1978 में भी यमुना ने अपनी चपेट में दिल्ली को लिया था। तब दिल्ली के दक्षिणी भाग यानी न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, महारानी बाग, जामिया मिलिया और ओखला में बाढ़ का पानी घुस गया था, जिससे हजारों लोग प्रभावित हुए थे। यहाँ तक कि उत्तरी दिल्ली के 30 गांव पानी पानी हो गए थे। तब नदी का पानी अपने उच्चतम स्तर 207.49 मीटर तक बढ़ गया था, जिससे राजधानी में विनाशकारी बाढ़ आई थी। अब देखना ये होगा कि एक बार फिर अगर दिल्ली पर भयंकर बाढ़ का प्रकोप हुआ तो दिल्ली के लोग कैसे अपना बचाव करेंगे, और साथ ही प्रशासन भी लोगों की सुरक्षा के लिए कौन कौन से कदम उठाएगा।